अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डाटा एंट्री ऑपरेटर 2017 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और उसी के हवाले से तीन पार्ट्स ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आज पार्ट फोर है और इसी के साथ ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पहले वाले पार्ट वॉच नहीं किए तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, या आप चैनल विजिट करके पहले वाले तीन वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं जिनमें हमने 75 तक एमसीक्यूज़ को कवर कर लिया है। तो चलते हैं, आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल वाले आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह की नेक्स्ट यूज़फुल वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। चलते हैं आज की वीडियो की जानिब और इस पेपर को मुकम्मल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, सी डी आर कोरल ड्रॉ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर ग्राफिक्स। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स के बारे में ब्रीफली आपको बता दिया है पिछली वीडियो में। 77 एमएस एक्सेल लोटस 1-2-3 एंड कोरल्स कोट्रो प्रो आर एग्जाम्पल ऑफ। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये स्प्रेडशीट पैकेजेस हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी इसका मोस्ट सुटेबल आंसर है, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स ये कंसीडर किए जाएंगे। 78 सी डी रोम स्टैंड्स फॉर कंपेटेबल डिस्क रीड ओनली मेमरी। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 79 डेजी व्हील प्रिंटिंग वॉज इन्वेंटेड इन, डेजी व्हील प्रिंटर वॉज इन्वेंटेड इन 1969। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। डिस्क क्लीनअप इज एन यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑप्शन ए करेक्ट है। 81 विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है, इंडोनेशिया मुस्लिम सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। इसके अलावा इंडिया में भी बहुत मुसलमान हैं, राइट। बहरहाल ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। डिकन प्लाटियो इज सिचुएटेड इन, डक्कन प्लाटियो इज सिचुएटेड इन इंडिया, ऑप्शन बी करेक्ट है। 83 द फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर टू स्कोर 1000 रन्स इन T20 इज, ये मोहम्मद हफीज़ हैं। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है, मोहम्मद हफीज़। इन्होंने T20 में सबसे पहले 1000 रन मुकम्मल किए, पाकिस्तानी प्लेयर हैं, राइट। 84 फाइंड द ओड वन आउट 41, 43, 47, 53, 65, 71। तो इसमें जो ओड है वो 65 है, राइट। बाकी हैं ये सारे प्राइम नंबर हैं और ताक हैं, यानी ऑड नंबर हैं। 65 जो है ये 5 पे भी डिवाइड होता है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 84 फाइंड द ऑड वन आउट 41, 43, 47, 53, 65, 71, 73, 79। इसमें जो 65 है ये ऑड है, राइट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव वीटो पावर इन द यूएन। पांच कंट्रीज़ के पास वीटो पावर है और इनमें कनाडा के पास वीटो पावर नहीं है, ठीक है। 86 फिल इन द ब्लैंक दे डू नथिंग कंप्लेन ऑल द टाइम। में एक्सेप्ट आएगा, राइट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दे डू नथिंग एक्सेप्ट कंप्लेन ऑल द टाइम। 87 फिल इन द ब्लैंक आई पेड द फीस एट द एंड ऑफ द कोर्स, ठीक है, ऑप्शन बी इसमें दुरुस्त जवाब है, एट आएगा। विच सिटी बिकेम द टेम्पोरेरी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इन 1960, ऑप्शन सी रावलपिंडी। 89 द सिनोनिम ऑफ एम्बिगुअस इज, एम्बिगुअस इसमें ऑप्शन जो है डी इसका होगा अनक्लियर। एम्बिगुअस मतलब जिसमें शक हो, डाउट हो, ठीक है।
क्लियर ना हो जो, तो ऑप्शन डी जो है ये इसका मुतरादिफ होगा, अनक्लियर। दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट, दे ऑलवेज कम बैक होम लेट, ठीक है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दे ऑलवेज कम बैक होम लेट। 91 शी स्पीक्स इंग्लिश नो, राइट। शी के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और एस या एस का इजाफा किया जाता है। 92 इट बिगेन टू रेन एन आवर अगो, इट बिगेन ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, ये ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन बी भी, क्योंकि ये दोनों जो है सेम है, राइट। तो कोई भी आप ओके करेंगे तो करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। 93 यू डैश सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन रेस्टिंग सिंस मॉर्निंग, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यू हैव बीन रेस्टिंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से आराम फरमा रहे हो, ठीक है। 94 आई फिनिश दिस एक्सरसाइज इन एन आवर यस्टरडे, आई फिनिश, ठीक है इसमें फिनिश्ड आएगा क्योंकि गुज़िश्ता दिन की बात हो रही है। 95 शी हैज़ पोस्टेड द लेटर, ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट होगा, शी हैज़ पोस्टेड द लेटर, उसने लेटर पोस्ट कर दिया है। बैंड्स के आगे बीन बजाना क्या है, दोस्तों ये मुहावरा है, ठीक है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, बैंड्स के आगे बीन बजाना इट्स मुहावरा, ठीक है। 97 सच्चाई नेकी और हुसन किसी की मीरास नहीं, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। 98 दिल बिलियों उछलना का मानी है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी होना, यानी बहुत खुश होना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। खस कम जुमला मुकम्मल करें, खस कम डैश जुमला मुकम्मल करें, खस कम जहां पाक, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है खस कम जहां पाक। 100 है डैश सेहत के लिए बहुत मुफीद है, मरब्बा इसमें ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा, मरब्बा सेहत के लिए बहुत मुफीद है। तो दोस्तों इसी के साथ ये पेपर अपने अख्तिताम को पहुंचा, उम्मीद करता हूं कि इस पेपर से आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा। पेपर को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।